सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला किया है। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे, अपडेट कीजिएगा। जुडिशियल कमीशन का इजलास हुआ है अब से कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस इजलास में जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने की जो है वो सिफारिश कर दी गई है, और ये जो उन्हें चीफ जस्टिस बनाने की जो मंजूरी दी गई है मुत्तफिका तौर पर दी गई है सुप्रीम जुडिशियल कमीशन की तरफ से, और अब जुडिशियल कमीशन ने उनके नाम की सिफारिश करते हुए ये मामला पार्लियामानी कमेटी को भिजवा दिया है। इसी तरह चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाने का भी फैसला हुआ है, उनके नाम की भी मंजूरी दे दी गई है, और उनकी नाम की सिफारिश करते हुए उनका जो दोनों ये जो नाम है इनकी मंजूरी देकर मामला अब पार्लियामानी कमेटी को भिजवा दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।